छोटा मर्ची रोड जो कि बाईपास थाना के समीप है, वहाँ पे वो GSTL जो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है उसके वेयर हाउस में घुसते हैं और दो गार्ड्स को बंधक बनाते हैं। सूचना संकलन के उपरांत 9 अपराधकर्मी को ये टीम जो है गिरफ्तारी सुनिश्चित कर दी है। पटना सिटी इन दिनों क्राइम का स्पॉट बना हुआ है। आए दिन पटना सिटी से लगभग ऐसी खबरें आती हैं जहां पर क्राइम, मर्डर, ये सब कुछ देखने को मिलता है। जी हां, एक दिन की बात है जिस दिन वेयर हाउस में कुछ बदमाशों ने घुसकर और वहां के गार्ड के साथ मारपीट की है। क्या है पूरी खबर, आइए आपको और कब की है ये भी विस्तार से बताते हैं। जी हां, आपको बता दें कि पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में 18 और 19 की रात्रि करीब 12:30 बजे से 1 बजे के बीच 10-12 अज्ञात अपराध कर्मी द्वारा मर्ची रोड अंतर्गत एक GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के वेयर हाउस में घुसकर वेयर हाउस के दोनों सुरक्षा कर्मियों का हाथ पैर एवं मुंह बांधकर गार्ड को रूम में बंद कर दिया और वेयर हाउस से भारी संख्या में बैटरी, तार तथा कंप्यूटर, DVR समेत और कई सामान लूटकर सभी अपराधी 3 विकप वैन से फरार हो गए। वहीं इस मामले में GTL के प्रबंधक बाईपास थाना में मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद पूर्वी सिटी SP के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और अपराधियों की छापेमारी के लिए धरपकड़ शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि अपराधियों तक पहुंचाने के लिए पटना पुलिस ने करीब 50 CCTV कैमरे खंगाले हैं, जिसके बाद 9 अपराधी पकड़े गए हैं। वहीं अपराधियों के पास से लूट के सामान भी बरामद किए गए हैं, जिसमें 20 मीटर तार और कुछ तांबे के पत्थर लूट बरामद किए गए हैं। वहीं अपराधियों के पास एक कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा है। वहीं जींस पिकअप वैन से अपराधियों ने सभी सामान ले गए थे, वो पिकअप वैन भी बरामद कर लिया गया है। बाकी अपराधियों की तलाश भी चल रही है और उस पर छापेमारी जारी है। जी हां, पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में 18 और 19 की रात्रि करीब 12:30 बजे 1 बजे के बीच 10-12 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा मर्ची रोड अंतर्गत एक GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के वेयर हाउस में घुसकर दोनों सुरक्षा कर्मियों का हाथ पैर एवं मुंह बांधकर गार्ड को रूम में बंद कर दिया और वेयर हाउस से भारी संख्या में कंप्यूटर, बैटरी, तार, ये सब कुछ चुरा के ले गए, जिसके बाद ये मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित की और उस पर तलाश जो है वो शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि उसको लेकर अब ये जो अपराधी थे वो पकड़ में आ चुके हैं और साथ ही जिस वैन से सब कुछ चुरा कर ले गए हैं वो वैन भी पकड़ा चुका है। पटना सिटी से अनिल कुमार की रिपोर्ट। देखिए, 18 और 19 अगस्त रात्रि को तकरीबन 12:30 बजे 10 से 12 अज्ञात अपराधकर्मी मर्ची रोड जो कि बाईपास थाना के समीप है, वहाँ पे वो GSTL जो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है उसके वेयर हाउस में घुसते हैं और दो गार्ड्स को बंधक बनाते हैं और गार्ड को बंधक बनाने के उपरांत वो वहाँ पे तार, बैटरी, उसके साथ साथ एक कंप्यूटर और DVR और कुछ अन्य सामान जो है लूट के वहाँ से फरार हो जाते हैं। और इसी संबंध में वहाँ के जो प्रबंधक हैं वेयर हाउस के, वो एक प्राथमिकी बाईपास थाना में दर्ज करते हैं और कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक पूर्वी के निगरानी में एक स्पेशल टीम का गठन किया जाता है और ये टीम तकरीबन 50 CCTV फुटेज को खंगालती है और वैज्ञानिक साक्ष संकलन और मानवीय सूचना संकलन के उपरांत 9 अपराधकर्मी को ये टीम जो है गिरफ्तारी सुनिश्चित करती है। और जो अनुसंधान का जो प्रगति है वो इस प्रकार है, सबसे पहले ये टीम जो पिकअप, 3 पिकअप यूज़ किया गया था, इस्तेमाल किया गया था लूट के सामान को उसमें डाल के, वहाँ से वो कहीं और जो है ले जाया गया था सामान और एक गोदाम में बेचा गया था जो कि आलमगंज में है। तो वे सबसे पहले ये टीम जो है वो जो पिकअप वैन कंटेनर है उसको चिन्हित करती है, उसका ड्राइवर को चिन्हित करती है और 25 तारीख को ये टीम विवेक कुमार को दीदारगंज से गिरफ्तार करती है और पिकअप वैन जो है उसको जब्त किया जाता है और विवेक कुमार के निशानदेही पे अन्य 8 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाती है। और जो मुख्य इसका जो लीडर है पूरे गिरोह का वो सोनू कुमार है, जिसको दीदारगंज से गिरफ्तार किया जाता है, उसने ही ये पूरा प्लानिंग किया था, कॉन्स्पिरेसी किया था और उसके पास एक कट्टा, 2 जिंदा गोली और एक मिसफायर कारतूस बरामद किया जाता है। उसके साथ साथ जिस गोदाम में आलमगंज में बेचा गया था, परी कुमार जो है वो कबाड़खाने के मालिक हैं, परी कुमार को गिरफ्तार आलमगंज थाने से किया जाता है और अन्य अभियुक्तों को
जो है अन्य शेष अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाता है जो कि उनके सहयोगी थे। तो देखिए ये पूरा जो गिरोह है, जैसे मैंने बताया कि आर के नगर, दीदारगंज बाईपास, अगम कुआं यहाँ पे बहुत सक्रिय है, तो इनकी गिरफ्तारी जो है नदी थाना, दीदारगंज थाना और आलमगंज थाना। मुख्य आरोपी सर कौन है? देखिए सोनू कुमार जो है मुख्य आरोपी, जो इसका षड्यंत्र करता है, उसने पूरा ये प्लानिंग रचा था। उसके साथ साथ कुछ और गिरोह के मेंबर्स इनके साथ हैं जो कि ये सामान जो है ये लूटते हैं और फिर इसको बहुत जल्दी वहाँ पे डिस्पोज कर देते हैं कबाड़ के दुकान पर और बेचते हैं। बरामद किया तो देखिए बरामदगी इसमें एक कट्टा है, दो जिंदा कारतूस है और एक मिसफायर गोली है। उसके साथ साथ 20 मीटर तार बरामदगी है इसमें और 23 अदद तामा का पत्थर बरामदगी है। 4 एंड्रॉइड मोबाइल सीज किया गया है और उसके साथ साथ जो पिकअप वैन है जिसे इस्तेमाल किया गया था इस पूरे घटना में, उसकी भी बरामदगी हम लोगों ने सुनिश्चित की। और शेष बचे हुए अपराधी जो हैं और जो बरामदगी है उसके लिए हमारी टीम जो है सतत प्रयास कर रही है और एक स्पेशल टीम भी गठन किया गया है कि जितने कबाड़ के दुकान हैं यहाँ पर उसकी जाँच जो है की जा रही है और निगरानी रखी जा रही है। सभी में सर किसी का अपराधिक इतिहास? देखिए आसपास के थानों से हम लोग जो है बहुत सारे थाने यहाँ पे पूछताछ भी कर रहे हैं इस पूरे गिरोह से और आसपास के थानों से हम लोग इनका आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं।